लाइटहाउस के ऑफिसर्स और कर्मचारी के निवास के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित शिक्षा का प्रतिनिधित्व ऐसे में कर रहे हैं ऐसी हमारी बहन मालती बहन महेश्वरी जी, डीजी लाइट हाउस मूर्ति जी, हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन श्री मेहता जी मंच पर उपस्थित, सभी ऑफिसर्स उपस्थित भाई लोग हैं। आज मैं सुबह से कंडा पोर्ट में हूँ। मैंने लाइट हाउस की मुलाकात की वीटीएस पर जाकर मैंने विस्तार से कैसे नेविगेशन सिस्टम को यहां से हैंडल किया जाता है सब देखा। और आज ये लाइट हाउस के साथ जुड़े हुए ऑफिसर्स कर्मचारीगण उसका आवास परिसर का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला। कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति व्यक्ति से आगे बढ़ के फैमिली बनती है। पति पत्नी बच्चे माता पिता कुल मिला के एक फैमिली बनती है। फैमिली का गुजरान चलाने के लिए हमें व्यवसाय की आवश्यकता होती है। व्यवसाय चाहे हम बिजनेस के रूप में करें, व्यवसाय चाहे हम जॉब के रूप में करें, व्यवसाय चाहे हम प्राइवेट जॉब में रूप में करें या गवर्नमेंट जॉब में के रूप में करें, जहां पे हम काम करते हैं वहां रहना आवश्यक होता है। लाइट हाउस ज्यादातर समुद्र तट पर होता है। समुद्र के तट पर लाइट हाउस में जॉब करने वाले ऑफिसर्स एवं उसमें काम करने वाले सहकर्मी ये सारी राष्ट्रीय सर्विस है, नेशनल सर्विस है, इसलिए सारे देश के 7,500 किलोमीटर कोस्टल लाइन पर ऐसे लाइट हाउस, ऐसे बीटीएस स्टेशन वहां और इंडिया कैडर से ऑफिसर्स पोस्टिंग के लिए आते होंगे। अपने वतन से, अपने घर से शायद वो दूर सुदूर होंगे और उसको जहां काम करना है वो भी क्षेत्र ज्यादातर लोगों के बीच में टाउन के बीच में नहीं होता है। टाउन टाउन से भी हला समुद्र तट पर होता है और हाइट से होता है, हाइट वाला होता है। किसी की ड्यूटी ऊपर लगती है, किसी की ड्यूटी नीचे लगती है, परिवार उसका अलग जगह पे रहता है। उसके लिए निवासी व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक होता है और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। एक ही परिसर में ऑफिसर भी रहेंगे, एक ही परिसर में सभी सहकर्मी भी रहेंगे और यहां रहकर एक साथ में सारे कॉलोनी में सारा परिसर में हमारे लाइट हाउस के सब लोग यहां निवास करें और शायद यहां से उसका जॉब का प्लेस हाँ बहुत दूर नहीं है, इसलिए उसको सुविधा भी रहेगी और काम में मन कम ही लगता है जब निवास की व्यवस्था ठीक हो। दूर सुदूर से अपडाउन करना होता है तो चिंता रहती है, चलो निकले कब निकले। फैमिली साथ में नहीं होती तो भी हमें सेटिस्फेक्शन होता है, फैमिली भी साथ में रहे, वो भी एक परिसर में सब सब कर्मी के साथ रहे, एक ही नेचर के एक ही क्षेत्र में काम करने वाले सब सब कर्मी की फैमिली में भी आपस का रिश्ता एक साथ में रहने से बनता है और एक रिश्ते के आधार पर एक सामाजिक जीवन बनता है और एक सामाजिक जीवन के आधार पर ही जीवन चलता है। क्योंकि हम मशीन तो है नहीं जिसमें ऑयल मिलता रहे तब तक चलते रहे, हम एनिमल भी नहीं है, हम एक सामाजिक प्राणी। हम
व्यवहार को साझा करते करते हमारी जिंदगी पास होती है। और इसलिए एक मनुष्य के रूप में व्यवस्था आवश्यक होती है। ऐसी व्यवस्था निश्चय की ओर से यहाँ इस परिसर के माध्यम से तैयार हुई है। मैं आशा करता हूं कि इस परिसर में रहने वाले सभी फैमिलीज अच्छी तरह से रहे, सुख शांति और समृद्धि से उसका जीवन व्यतीत हो, यही अभ्यर्थना। धन्यवाद। भारत माता की।